नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद दर्शन न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ मनेंदु पहाड़िया। घूंघट में अस्पताल पहुंची एसडीएम, मरीजों की स्थिति देख आईएएस ने डॉक्टर को बतलाई अपनी असली पहचान, स्थिति देखकर रह गई हैरान। फिरोजाबाद में मंगलवार सुबह एसडीएम कृतिराज जिला मुख्यालय से तहसील आ रही थी, तभी मरीज ने फोन कर बतलाया कि स्वास्थ्य केंद्र पर अभी तक चिकित्सक नहीं आए हैं। वह स्वास्थ्य केंद्र का गोपनीय निरीक्षण करने पहुंची। वह दुपट्टे से घूंघट निकालकर पैदल वहां पहुंची, आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर दूसरे नाम से पर्चा बनवाया, फिर चिकित्सक को दिखाने के लिए भी लाइन में लगी। एसडीएम स्वास्थ्य केंद्र का गोपनीय निरीक्षण करने पहुंची। एसडीएम को चिकित्सक का मरीजों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं लगा। डॉक्टर खड़े खड़े लगा रहे थे इंजेक्शन, कर्मचारी मिले गायब। सुबह 11:30 बजे फिरोजाबाद स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की कतार में लंबा घूंघट करके एक महिला खड़ी थी। पर्चा बनवाया और डॉक्टर के पास पहुंचकर बोली, मैं एसडीएम सदर आईएएस कीर्तिराज। इससे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। स्टॉक में रखी आधी दवाइयाँ और इंजेक्शन एक्सपायर मिले। उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारी नदारद थे। फिरोजाबाद में इसी स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्ता काटने के इंजेक्शन एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। प्रशासन के पास केंद्र पर तैनात चिकित्सक एवं कर्मचारियों की मरीजों से दुर्व्यवहार की शिकायतें पहुंच रही थीं। मंगलवार सुबह एसडीएम जिला मुख्यालय से तहसील आ रही थी, तभी मरीज ने फोन कर बतलाया कि शकीला नईम स्वास्थ्य केंद्र पर अभी तक चिकित्सक नहीं आए। वह स्वास्थ्य केंद्र का गोपनीय निरीक्षण करने पहुंची। वह दुपट्टे से घूंघट निकालकर पैदल वहां पहुंची, आम मरीजों की तरह लाइन में लगकर दूसरे नाम से पर्चा बनवाया, फिर चिकित्सक को दिखाने के लिए लाइन में भी लगी। इस दौरान चिकित्सक का मरीजों के प्रति व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा। काफ़ी अव्यवस्थाएं थीं। अपना नंबर आने पर जब उन्होंने डॉक्टर सादाब खान को अपना परिचय दिया तो वहां अफरा तफरी मच गई। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामयी हॉस्पिटल के संबंध में कि वहां पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 10 बजे से लोग वहां पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहां पहुंचे, हम वहां अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहां पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहां पे दवाइयां जो थी लगभग आधा स्टॉक वहां एक्सपायर्ड था जब हम पहुंचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी, इंजेक्शन भी सही ढंग से एक बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे, किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, रिपोर्ट भेजेंगे आप। एसडीएम ने बतलाया कि कर्मचारी मरीजों को खड़े खड़े ही इंजेक्शन लगा रहे थे, पलंग पर काफ़ी धूल थी, डिलीवरी रूम और शौचालय में भी गंदगी थी। ORS के पैकेट, कुत्ते काटने के इंजेक्शन और स्टोर में रखी 50% से अधिक दवाएं एक्सपायर मिली। फ्रिज बंद था, चिकित्सकों में सेवा भाव नहीं था, मरीजों के प्रति उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था। कार्रवाई के लिए निरीक्षण रिपोर्ट DM को भेजी जा रही है।